हेलो माय फ्रेंड, हाउ आर यू? आई थिंक एवरीबॉडी हैव फाइन। चलिए आज मैं आपको बता रहा हूँ, जो आप देख रहे हैं सामने में, मेरे चैनल पर नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। मैं कुछ विंडो एक्टिवेट करने के बारे में बात करने वाला हूँ कि कैसे आप अपना खुद का विंडो एक्टिवेट कर सकते हैं। अपना लैपटॉप है, पीसी है, डेस्कटॉप है, जो भी है, चाहे मोबाइल का कुछ इशू हो, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं इसका एक्टिवेट करने का तरीका बताऊंगा आपको। सही है कि जो भी हिसाब है वो सही तरीका से आप समझ जाए। मैं पूरा इसमें इसी तरीका से बताऊंगी कि आप घर बैठे आप कैसे विंडो एक्टिवेट कर सकते हैं। आपको पास में एक मोबाइल है फिर भी कर लेगा आपको, यानी आपको लैपटॉप है, नेट है, डाटा है फिर भी हो जाएगा, नेट है फिर भी हो जाएगा। तो उसी डिस्कस में करने वालों कि किस हिसाब से आप कर सकते हैं इसमें एक्टिवेट आप विंडो। क्योंकि आप जब नया लेते हैं ना, लैपटॉप चाहे कंप्यूटर चाहे कुछ भी ले, तो दुकान वाला शॉप वाला आपको वो विंडो एक्टिवेट करके नहीं देते, वो 30 डे के अंदर में विंडो करप्ट हो जाते हैं। लास्ट उसका 29 डेट रहता है, 30 डे में जाकर विंडो करप्ट हो जाते हैं, तो आपको वो शट डाउन का ऑप्शन आएगा, ब्लैक स्क्रीन हो जाएगा, कुछ ऐसा बहुत वगैरह वगैरह सामने में आ जाएगा। तो प्लीज़ अगर इस टाइप का कोई प्रॉब्लम है तो आप कंटेक्ट करें, मेरा वीडियो के नीचे मेरा कंटेक्ट नंबर भी होगा, लिंक भी होगा, आप उस हिसाब से कंटेक्ट कर सकते हैं और आपको मैं जो भी हो सकता है मैं हेल्प भी कर देगा। नहीं तो मेरा फेसबुक पेज में जाकर मेरा फॉलो कर सकते हैं, मेरा नाम अतिलाल यादव है, मेरा फेसबुक पेज से मेरा कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए पूरा विंडो एक्टिवेट करके मैं दिखाऊंगा। मैं अभी दिखाने जा रहा हूँ विंडो 7 के बारे में, विंडो 8, विंडो 10 और HP, ऐसा कुछ भी विंडो है तो वो एक्टिवेट हो जाएगा सही तरीका से। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखिए और वीडियो को कट नहीं करिए, पूरा वीडियो देख के चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और जो प्रोसीजर मैं बता रहा हूँ आप वैसा ही अपनाना, कुछ ऐसा अलग अलग नहीं अपनाना। तो आपको हो सके कि आपको विंडो नहीं एक्टिवेट हो ऐसा, तो बाद में आपको ऊपर है, क्योंकि मैं जो प्रोसीजर बता रहा हूँ ये ओरिजिनल है, वो लीगल करेगा पीसी का, लैपटॉप का। तो कुछ स्टेप पर एक्टिवेट कर आएगा, नाउ एक्टिवेट योर विंडो ओनली 30 डे वायरस की कोड भी कुछ आएगा इस टाइप को हासिल करने के लिए। बोलिए जैसे जैसे डरने का नहीं, ये चीज़ थोड़ा सा छोटा प्रॉब्लम है। तो चलिए मैं आगे जाके पूरा विंडो में मैं सही सही बता रहा हूँ कि स्टेप को कुछ आपको देखेगा, इसमें कोई डरने के, सिर्फ स्टार्टिंग में आता है और 30 डे हो जाएगा तो आपको 16 विंडो करप्ट होने का चांस रहेगा, चाहे आपको जो भी डाटा हो आपको लैपटॉप में। तो इससे पहले आप ये काम कराना ज़रूरी होता है। तो मेरा पास कुछ विंडो एक्टिवेट करने का सॉफ्टवेयर है, बट आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, तो मेरा पास है ऑलरेडी, बट मैं आपको दिखाऊंगा कि आप डाउनलोड भी करके कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। वो भी मैं कुछ इसमें ऐसा बात नहीं करूंगा कि करेक्ट ब्रेक या फेरी उड़ी, मैं इतना ज़रूर बोलूंगा कि इसमें फेरी में आप एक्टिवेट कर सकते हैं, बट कौन तरीका से कर सकते हैं वो प्रोसीजर में बताऊंगा। पूरा वीडियो देखिए मेरा, मैं इसलिए कि नहीं बोल रहा हूँ कि इसमें हैक करो क्रैक करो, ऐसा वीडियो में लीगल नहीं है। मेरा पास कुछ फोल्डर है, मैं कुछ रखा है सीडी, बट मैं उससे एक्टिवेट करता है, बट मैं आपको लेन में नीचे डाउनलोड करके मैं दिखाऊंगा कि आप कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, मैं कुछ लिंक नहीं देने वाला हूँ वीडियो के नीचे, बट आप जाइए अपना ब्राउजर ओपन करके स्टार्ट करिए। ओके, अपना जो भी ब्राउजर यूज कर रहे हैं वो ब्राउजर आप ओपन कर लीजिए। मैं तो फिलहाल क्राइम ब्राउजर यूज कर रहा हूँ, तो मैं ओपन कर लिया। थोड़ा ऐसा कुछ इंटरफेस फेस आएगा, आप ओपेरा मेनू भी यूज कर रहे हैं, इसी ब्राउजर भी यूज कर रहे हैं तो भी चलेगा, बट इसमें विंडो 7 लाइटिंग करें एक्टिवेट है कुछ स्टेप पर, जैसे मैं कर रहा है कुछ स्टेप पर लाइटिंग करें या लिंक पर क्लिक करिए। जैसे क्लिक करेगा इनजिप फाइल है ये, तो कुछ स्टेप पर जाएगा, जैसे स्टेप पर जाएगा तो जाना दीजिए इधर, इधर जाके इसमें क्लिक करिए एंड डाउनलोड करिए। मैं जिधर लाइक के ऑप्शन दे रहा है आप ये लाइक पर आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें मैं कुछ ऐसा ऑप्शन है कि मैं उसका छुपा दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा कॉपीराइट ना यार, नहीं तो मेरा कॉपीराइट आ जाता है इसका वजह से। इधर से ऐसा करिए डाउनलोड होने लगेगा आपको, कुछ इस ऐप में एनजीप फाइल आएगा, वो फाइल आप डेस्कटॉप पर सेव करने का कोशिश करेगा। मैं यही बोलूँगा कि आप डेस्कटॉप पर सेव करिए, तो मेरा डेस्कटॉप पर सेव हो गया फाइल। कुछ स्टेप पर मैं पहले से सेटिंग करके रखा था, प्लीज मैं आपसे एग्री करूंगा कि आप डेस्कटॉप पर सेटिंग करिए कि आपको ये चीज़ जल्दी सामने में आ जाए डाउनलोड करने टाइम में। ओके, कुछ फोल्डर करिए, नहीं फोल्डर करने के बाद इसमें कंट्रोल करिए, कंट्रोल सी करिए, राइट क्लिक करिए, पास कर दीजिए, एग्जिट कर दीजिए, कुछ स्टेप आएगा, इसमें जाइए, देखिए ये फाइल आ गया। ठीक है, जो फाइल आ गया आपको दिखा रहा होगा, फाइल पर आपको राइट क्लिक करने का। ओके, यही सही प्रोसीजर है, अभी भी मैं दिखा रहा हूँ मेरा विंडो एक्टिवेट नहीं है। ओके,
देखिए विंडो नहीं एक्टिवेट है, जर्मन तरीका यही है इसका एक्टिवेट करने का, जिसका आप इस तरीका से कर सकते हैं। लास्ट कंडीशन है, इस तरीका से नहीं होएगा तब परमिट मांगना पड़ेगा आप लोग को लैपटॉप को। तो इसमें राइट क्लिक करिए, देखिए इस पर प्लस करके राइट क्लिक करके रन कर दीजिए, ओके यस कर दीजिए। जैसे यस करेगा कुछ चलेगा, एक दो मिनट के लिए देखिए कुछ इस टाइप आएगा, इंस्टॉल अनइंस्टॉल। अनइंस्टॉल का मतलब है कि आप नहीं चाह रहे आपको कंप्यूटर, मतलब आपको विंडो नहीं चाह रहे आप एक्टिवेट करवाने के लिए, ओके। तो देख रहे हैं, तो मैं इसका बोलूँगा इंस्टॉल करने के लिए, तो इंस्टॉल करेगा तो मेरा विंडो एक्टिवेट होएगा। ये देखिएगा ये चीज़ भाग जाएगा इधर से, नहीं होएगा अभी। मैं जैसे एक्टिवेट हो जाएगा विंडो तो इधर नहीं मिलेगा ये चीज़ आपको, ओके। अब देख सकते हैं कुछ इस टाइप पर चल रहा है, थोड़ा चलेगा ये लंबा से लंबा, 5 मिनट से 7 मिनट का ये प्रोसीजर जा रहा है। देखिए आपको जो भी विंडो है उसका डिटेल्स भी आ जाएगा आपको सामने में इस तरह से, तो आप देख सकते हैं जैसे है। बट मैं फिलहाल कोशिश करूँगा कि आप समझ जाए ये चीज़ के बारे में। देखिए इधर से वो हट गया, वो चीज़ आपको सामने में था जो एक्टिवेट का बता रहा था वो गया सक्सेसफुल। इसमें देखिए यूर हैव सक्सेसफुल सीरियल नंबर, ओके कर दीजिए, इसका कैंसिल कर दीजिए, सही है। अभी जो प्रोसीजर मैं बता रहा हूँ, अब देखिए इसमें अभी तो नहीं दिखाएगा, फिलहाल नहीं दिखाएगा। अब इधर से जाकर इसका शॉट डाउन रीस्टार्ट करिए, रीस्टार्ट करने के बाद कुछ टाइम वेट करिए, थोड़ा वो रीस्टार्ट करेगा ना तो शॉट डाउन का ऑप्शन आएगा, शॉट डाउन हो जाएगा। एग्जैक्टली आप कुछ पावर रोड का नहीं छेड़छाड़ करें, वो एग्जैक्टली वो ऑन होएगा ऑटो, तो ऑटो ऑन होकर कुछ स्टेप इंटरफेस आएगा। अब अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम आएगा तो मेरा कमेंट करिए, मैं बताएगा आपको सही सही तरीका क्या है। और जैसे आप देख रहे हो वही सामने में, तो देखें प्लीज़ कुछ स्टेप आएगा, आप अपना पासवर्ड और पिन इंटर कीजिए, लैपटॉप सामने में आएगा। पहले आप देखा था जिस टाइप से, आप अभी देखिएगा उसमें बहुत डिफरेंट आएगा। तो कुछ मेरा पासवर्ड है, मैं अपना पासवर्ड एंटर कर रहा है कुछ स्टेप का, बट मैं फिलहाल करूँगा। आप जैसे भी है मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कुछ वेलकम लिख के आएगा आपको सामने में चाहिए, प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे भी हो बहुत अच्छा वीडियो मैं बनाता हूँ, बट मैं अपने बोलेगा अच्छा बना तो ये तो नहीं चाहिए, आप बोलेगा तो ही अच्छा होएगा, ओके। तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो भी आदमी है मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर वीडियो अच्छा रहे तो फिर नेक्स्ट वीडियो में बनाएगा। तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ गया खुल के, अब देख सकते हैं जैसे आप इसमें जाएगा तो पहले मैं अभी मैं पहले इधर एक्टिवेट करने का बोल रहा था, बट अभी नहीं एक्टिवेट होने के बाद एंड इसमें जाइए, इसमें जाने के बाद ऐसा कुछ अलग टाइप का लिंक होएगा, सही है। इसमें जाके अभी पूर्व पट्टी पर देखिए क्लिक करके, मैं इस पर जाएगा ऑन करेगा, इसका ओपन करिए, ओपन करने के बाद कुछ इस टाइप आएगा, इधर आएगा, इसमें राइट क्लिक करिए एंड डाउन साइड में पूर्व पट्टी का ऑप्शन आता है, इसमें ऑन करिए। देखिए जर्मन तरीका से आपको विंडो एक्टिवेट है माइक्रोसॉफ्ट के साइट से, आप देख सकते हैं। मैं इसका थोड़ा जूम करके आपको कोशिश करूँगा कि दिखाने को, देख सकते हैं वही लैपटॉप है आपको सामने में, जर्मन तरीका से एक्टिवेट हुआ है, सही है। मैं अभी थोड़ा स्क्रीन छोटा करेगा तो देखिए आप कैसा होएगा, देख सकते हैं कुछ जर्मन तरीका से एक्टिवेट करने का यही तरीका है। अगर किसी का जो स्टेप आप देख रहे हैं जर्मन तरीका से मैं विंडो एक्टिवेट किया, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। आप कमेंट करें कि नेक्स्ट स्टेप में मैं विंडो 10 का भी मैं बहुत अच्छा फॉर्मेटिंग करता हूँ, सॉफ्टवेयर वगैरह के बाद में अपडेटिंग, तो उस स्टेप को मैं बहुत अच्छा वीडियो आपको ले बना सकता हूँ आप सबको साथी लोग को। तो आप क्यों अपने आप को सोच रहे हैं कि आप कुछ भी नहीं कर पाएगा, तो एक छोटा आदमी आप लोग को तरह तो नहीं है बड़ा करेगा, बट जो भी मैं बनाया आप लोग को समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। मैं